हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टेलीप्रेम की एक और लेटेस्ट और अमेजिंग TTL फाइल के बारे में बताएंगे। और ये TTL फाइल भी टेलीप्रेम की बाकी सभी TTL फाइल्स की तरह के एक एडवांस TTL है। इस TTL फाइल की मदद से हम टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर में गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए अपनी आइटम समरी रिपोर्ट को देख सकते हैं। यानी हमें एक की जगह पे हमारी सारी स्टॉक आइटम आ जाएगी और दूसरी जगह पे हमें सारी मंथ वाइज रिपोर्ट आ जाएगी कि किस मंथ में हमने टोटल कितनी स्टॉक आइटम को सेल किया है। इस TTL फाइल की मदद से हम दो मंथ को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस मंथ में हमने कौन सी स्टॉक आइटम कितनी सेल की है। तो आइए देखते हैं ये कौन सी एडवांस TTL फाइल है और किस तरीके से वर्क करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको टेलीप्रेम की आइटम समरी रिपोर्ट TTL फाइल के बारे में बताएंगे। इस TTL फाइल के नेम से इस TTL फाइल का वर्क भी कंफर्म हो जाता है। आइटम समरी यानी जितनी भी हमारी स्टॉक आइटम होती है वो सारी हमें एक जगह पे आ जाती है और दूसरी तरफ हमें उसकी पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि किस मंथ में हमने कौन सी स्टॉक आइटम कितने पीसी सेल कर दिए हैं। इस TTL फाइल के एक यूज़ से हम सारी की सारी स्टॉक समरी एक जगह पे देख सकते हैं और दूसरा हम दो मंथ को आपस में कंपेयर करके भी देख सकते हैं। और साथ ही में आप चाहें तो इस पूरी रिपोर्ट को प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड के अंदर भी रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस TTL फाइल को हम लोड कर लाते हैं, देन उसके बाद आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी वो TTL फाइल है, आइटम समरी TTL फाइल। इस TTL फाइल को टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर में आइए और यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट के F1। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ TTLs एंड एडोन्स, इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट के O। अब इस पर क्लिक करने के बाद जितनी भी TTL फाइल्स आप आज से पहले लोड कर चुके हैं वो सारी आपको यहाँ पे सामने की तरफ डिस्प्ले हो जाएंगी। और नई TTL फाइल को लोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिस पे लिखा है मैनेज लोकल TTLs, इस पर क्लिक कर देंगे या तो इसकी शॉर्टकट की F4। अब इस पर क्लिक करने के बाद हम TTL कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा है लोड सिलेक्टेड TTL फाइनल स्टार्टअप, इसको यस कर देंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करते बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे नई TTL फाइल को लोड करने के लिए फाइल सिलेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक पाथ, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे उस TTL फाइल का पूरा पाथ पेश कर देंगे शॉर्टकट के Ctrl+V, देन सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसे एक्सेप्ट कराने के बाद आप देखेंगे ये TTL फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अभी TTL फाइल वर्क कर रही है या नहीं। तो इस TTL फाइल का वर्क देखने के लिए आप देखेंगे गेटवे ऑफ टेली में सबसे लास्ट में हमें एक नया ऑप्शन आ रहा है जिस पे लिखा हुआ आइटम समरी। ये ऑप्शन अभी आपकी टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे अभी इस TTL फाइल को सक्सेसफुली लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टेलीप्रेम में भी शो हो जाएगा। और साथ ही हम आप देखेंगे आपको टेलीप्रेम में और भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन भी अलग अलग तरीके के TTL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं और जितनी भी TTL फाइल्स हैं सभी आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये सारी TTL फाइल किस तरीके से डाउनलोड करनी है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दी गई है। तो आइए सबसे पहले इस TTL फाइल का वर्क देख लेते हैं। तो सिंपल इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं जिस पे लिखा हुआ आइटम समरी या तो इसकी शॉर्टकट के Y। अब इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने आइटम समरी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। किस तरीके से रिपोर्ट शो हो रही है, एक तरफ हमें हमारी सारी स्टॉक आइटम आ रही है। हमारे केस में इतनी स्टॉक आइटम हमने बना के रखी हुई है, लेकिन आपने जितनी भी स्टॉक आइटम बनाई होगी वो सारी आपको एक ही तरफ आ जाएंगी। ऊपर की तरफ सारे मंथ आ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक कलर की एक पट्टी आ रही है जिसमें अप्रैल से लेके मार्च यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर आ रहा है और यहाँ पर पूरी की पूरी रिपोर्ट आ रही है कि किस मंथ में हमने कौन से स्टॉक आइटम के कितनी पीसी सेल किए हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा सैमसंग J2 है, अप्रैल के अंदर हमने 1990 पीसीस सेल किए, देन मई के अंदर 1340 पीसीस, जून के अंदर 3000 पीसीस, जुलाई के अंदर 1830 पीसीस और सेम इसी तरीके से बाकी सभी स्टॉक आइटम का भी रिपोर्ट यहाँ पे सक्सेसफुली आ रही है। टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट इस तरीके की आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिखती जहाँ पे जितनी भी आपकी स्टॉक आइटम है मंथ वाइज आपको सारी सेल समरी दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं आता, यहाँ पे सिंपल आपको पीसीस आते हैं यानी किस मंथ में आपने टोटल कितना स्टॉक यहाँ पे सेल कर दिया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो दो मंथ को आपस में कंपेयर भी करा सकते हैं। एग्जांपल के लिए एक हमारी स्टॉक आइटम है सैमसंग J7,
अब सैमसंग J7 अप्रैल से लेके जनवरी तक हमने अलग अलग पीसी सेल किए हैं। आप चाहें तो दो महीनों को आपस में कंपेयर करा सकते हैं। एग्जांपल के लिए अप्रैल के अंदर 1620 पीसेस हमने सेल किए थे, लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ मई के अंदर 2285 पीसेस सेल कर दिए, यानी हमारी सेल बढ़ गई। नेक्स्ट मंथ हमने थोड़ी कम सेल की, 2170 पीसेस। देन उसके नेक्स्ट मंथ जुलाई के अंदर दोबारा से हमारी सेल बढ़ गई 2355। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको आपकी सारी स्टॉक समरी की रिपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, और आप काफ़ी आसानी से दो मंथ को कंपेयर करा के देख सकते हैं कि किस मंथ को आपने कौन सी स्टॉक आइटम कम सेल की है और कौन सी स्टॉक आइटम ज़्यादा सेल की है। साथ ही में आप चाहें तो इस पूरी रिपोर्ट को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग पीरियड वाइज देख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे पीरियड पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की F2, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पीरियड सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस रिपोर्ट को पूरे फाइनेंशियल ईयर की देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी डेट हटा के देख सकते हैं। और साथ ही में अगर आप इस रिपोर्ट का प्रिंट लेके अपने रिकॉर्ड में भी रखना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं। शॉर्टकट के Ctrl+P, देन यहाँ पे प्रीव्यू पा जाएंगे और इसको ओल्ड सेट से जूम कर देंगे तो आप देखेंगे प्रिंट के अंदर भी ये रिपोर्ट सक्सेसफुली आ जाती है। तो टेलीप्राइम की काफ़ी एडवांस TDL फाइल है और सभी तरीके के बिजनेसमैन इस TDL फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके लिए TDL फाइल काफ़ी यूजफुल होगी। ये TDL फाइल हमें बता देती है कि कौन सी स्टॉक आइटम किस मंथ में हमने टोटल कितनी सेल की है। और साथ ही में गेटअप ऑफ टैली में आप देखेंगे नीचे की तरफ राइट साइड में ऊपर की तरफ काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस आपकी टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में अभी नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस अलग अलग तरीके की TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं। इन सभी TDL फाइल्स के ऊपर हमने अलग अलग तरीके के वीडियोज़ भी बना दिए हैं और ये सारी TDL फाइल आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाएँ, जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टेलीप्राइम की ओल्ड TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP 9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टेलीप्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS Excel बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये पांचों ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टेलीप्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहां पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टेलीप्राइम की ओल्ड TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।